आज जो है सेकेंड डे हमारा और अम्मी के घर, और अभी और मैं और अम्मी आपी और ईमान और अभी जा रहे हैं पार्लर हेयर कटिंग फेशियल वगैरह कुछ चीज़ें करवाने वाली हैं वो करवाने हैं। मेरे अबू की मुर्गियाँ नहीं वेट कर रहे हैं अभी तक, ऊबर वाले ने कहा था कि बाहर खड़ा लेकिन अभी तक आया नहीं है बाहर, और अभी हम वेट कर रहे हैं मुर्गी अच्छे हमें चार मुर्गियाँ एक मुर्गा है ना माशाल्लाह से। हाँ माशाल्लाह जी ऊबर जो है अब आ चुकी है हमारी, चलो वही बैठे कोई बात नहीं बाहर से ना चलो यहाँ से गिरना जाना है देखो मैं खोल देती हूँ ओके अम्मी अल्लाह हाफिज़। चलो बेटा ईमान अब मैं उधर से बैठ जाती हूँ अभी तुम इधर से बैठ जाओ ठीक है। बिस्मिल्लाह बड़ी हाथ बहुत सख्त है दिल इस्लामाबाद शिफ्ट होने के बाद मैंने एक बार भी कहीं से ना फेशियल नहीं करवाया, तो इस दफ़ा मैं जब लाहौर गई तो मेरा प्लान था कि मैं ज़रूर फेशियल करवाऊंगी, तो मैं इसी पार्लर में आई जहाँ पे मैं इतने अरसे से जा रही थी जब हम लोग लाहौर में रहा करते थे। तो ये है जी ईडन सिटी फेज़ 8 में, और बहुत ही ज़बरदस्त पार्लर है और इनकी सर्विस बहुत अच्छी है और इनका स्टाफ जो है बहुत ही कोऑपरेटिव और फ्रेंडली है। मुझे तकरीबन 4 से 5 साल हो गए यहाँ पे आते हुए आ रही है। मैं आ चुकी हूँ अंदर और अभी हम फेशियल करवाने के लिए बैठने लगे हैं। तो अभी मेरा मुंह कैसा है देख ले। अच्छा यार ये तो पूछा नहीं कौन सा फेशियल करवाना है। मेरा जो है फेशियल हो गया है और अब पता नहीं मैं कैसे लग रही हूँ, और मैं ना कम्प्लीटली सो चुकी थी मुझे नहीं पता था मैं कहाँ पे हूँ, और बहुत ही मज़े का इन्होंने फेशियल किया है बड़े क्लासी और मसाज ज़बरदस्त था, तो वो भी मैं करवा के ऊपर जा रही हूँ। अब देखिए ऊपर जाके मैं क्या क्या करवाती हूँ। जी तो मैं हो चुकी हूँ फ्री, और मैंने अभी अपनी लिप्स भी करवा ली हैं, आईब्रोज भी बनवा लिए हैं, और कटिंग भी हो चुकी है, और फेशियल भी जो है ना मेरा हो चुका है, और मुझे लग रहा है मेरी स्किन काफ़ी पहले से बेहतर है। तो वो तो घर जाके हम जो है फ्री हो चुके हैं और अभी हम वेट कर रहे हैं उबर के आने का, और सब कुछ मेरा अल्लाह का शुक्र हो चुका है बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है। प्लकिंग करवाते हुए बस ये हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा तंग करती हूँ और बहुत ज़्यादा रोती हूँ, रो रो के करवानी भी ज़रूरी है और रोना भी बहुत ज़रूरी है। तो खैर माशाल्लाह इनका स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है तो उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। तो खैर आप लोगों ने मुझे बताना है आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर कि मेरी तरह और कौन कौन से सिस्टर्स हैं जो रोती भी हैं और करवाती भी हैं, ज़रूर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। जी तो फ्रेंड्स देखिए मेरे चेहरे की फ्रेशनेस, मैं जो हूँ पॉलर से भी फ्री हो चुकी हूँ, और अभी मैं आई थी एमआर पर डी एच ए फेज़ 8 इन सिटी में, नहीं इन सिटी डी एच ए फेज़ 8 ऐसी कुछ है मुझे एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता लाहौर में, तो मैंने करवा ली है। और ये अभी जो है ना मुझे तंग कर रही है, मेरे पीछे पीछे भाग रही है, हेयर कटिंग भी मैंने करवा ली है, सारा कुछ मेरा हो गया है, और बस अब हम आप ही वेट करिए उबर उसने भिजवाई है, और अभी हम घर उबर भी लेंगे और उसके बाद हम लोग घर जाएँगे इंशाल्लाह। आई मैं हाथ पकड़ी आपी की कुलीग का बर्थडे था नेक्स्ट डे, तो आप ही ने उनके लिए गिफ्ट लेना था, तो हम लोग जो है सीधा पार्लर से यहाँ पे आ गए अलफतेह, और ये है डीएचए में, और यहाँ पे सब कुछ ही बहुत अच्छा था और बहुत ज़बरदस्त चीज़ों की कलेक्शन थी यहाँ पे, यहाँ पे कॉस्मेटिक की चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी और परफ्यूम्स भी बहुत अच्छे लगे हुए थे, तो आप ही ने सोचा कि मैं ना परफ्यूम गिफ्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है ईमान और आप ही परफ्यूम्स देख रहे थे और डिसाइड कर रहे थे कि कौन सा परफ्यूम दें, तो मैं जो हूँ अप्रिश के साथ दूसरे साइड पर चली गई जहाँ पर बच्चों की चीज़ें लगी हुई थी, और मैं शूज़ देखने लगी थी अब्रिश के लिए और रैयान के लिए, यहाँ पे बहुत अच्छे शूज़ लगे हुए थे बच्चों के लिए। आप ले रही ना थे सारे, ये तो आई मैं दिखाऊँ आपको ये सारे, यहाँ पे ये टॉय एरिया आ गया नज़र अब्रिश को, तो बस कहिए मुझे ये दिखा दें आई मैं दिखाऊँ,
आए देखिए कार सीखते हैं सारी हम कार्स की कलेक्शन लेते हैं वाओ जो है इस साइड पे ले रही है परफ्यूम। तो मैं जो जा रही हूँ क्रॉकरी देखने के लिए कि यहाँ पे क्रॉकरी बर्तन कैसे हैं, तो उस साइड पर जा रहे हैं अभी देखने। मैं जो इस टाइम पे आ गई हूँ क्रॉकरी वाली साइड पर, यहाँ पे जो लूज़ प्लेट्स मिलती हैं वो बहुत प्यारी प्यारी लगी हुई थी। यहाँ पे कलरफुल प्लेट भी थी और कुछ प्लेन भी थी और कुछ प्रिंटेड थी, बहुत ज़बरदस्त लगी थी। और इसके अलावा यहाँ पे कप्स की कलेक्शन बहुत अच्छी थी और यहाँ पे ग्लास बहुत अच्छे मिले थे, बाउल्स बहुत अच्छे थे। ये प्लेट्स जो मुझे वहाँ पे अपने इस्लामाबाद में मिल जाती हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल थी। हॉट पॉट्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे मुझे ये वाले, और मुझे इनके अलावा ये थर्मस बहुत अच्छे लगे थे। और ये जो ग्रीन वाला थर्मस है ना, ये 7000 की रेंज में मिल रहा था, बहुत अच्छे थर्मस थे और मुझे लेना था, हाँ इसलिए मैंने देख ली थी यहाँ पर। तो ये था हमारा सेकेंड डे, होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।